आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन विद बेस 5। इस टॉपिक में बेस 5 वाले नंबर सिस्टम्स की मल्टीप्लिकेशन को समझने से पहले हम एक टेबल को डिस्कस करते हैं। इस टेबल के थ्रू बेस 5 वाले नंबर सिस्टम्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल में हमें ये वैल्यूज दी गई हैं। इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इन्हें इस फॉर्म में लिखना होगा। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें 4 हासिल होगा। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें 8 हासिल होगा। 8 चूंकि 5 से बड़ा है, जिसकी वजह से 8 को फैक्टराइज किया जाएगा। 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें रिमाइंडर 3 हासिल होगा। 1 को हम नेक्स्ट कॉलम में एज ए कैरी लिखेंगे, जबकि रिमाइंडर वाले 3 को यहाँ लिख लिया जाएगा। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें 16 हासिल होगा और इसमें 1 को ऐड करने पर हमें 17 हासिल होगा। 17 चूंकि 5 से बड़ा है, जिसकी वजह से इसे 5 के साथ फैक्टराइज किया जाएगा। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें रिमाइंडर 2 हासिल होगा। रिमाइंडर वाले 2 को यहाँ लिख लिया जाएगा, जबकि 3 को यहाँ लिख लिया जाएगा। अब हम 3 को 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 हासिल होगा। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 हासिल होगा। 6 क्योंकि 5 से बड़ा है, जिसकी वजह से इसे फैक्टराइज किया जाएगा। 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें रिमाइंडर 1 हासिल होगा। 1 को नेक्स्ट कॉलम में एज ए कैरी लिख लिया जाएगा, जबकि रिमाइंडर वाले 1 को यहाँ लिख लिया जाएगा। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें 12 हासिल होगा, जबकि इसमें 1 को ऐड करने पर हमें 13 हासिल होगा। 13 चूंकि 5 से बड़ा है, जिसकी वजह से इसे फैक्टराइज किया जाएगा। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें रिमाइंडर 3 हासिल होगा। रिमाइंडर वाले 3 को हम यहाँ लिख लेंगे, जबकि 2 को यहाँ लिख लिया जाएगा। अब हम 2 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू हासिल होगी। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें 4 हासिल होगा। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें 8 हासिल होगा। 8 चूंकि 5 से बड़ा है, जिसकी वजह से 8 को फैक्टराइज किया जाएगा। 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें रिमाइंडर 3 हासिल होगा। रिमाइंडर वाले 3 को हम यहाँ लिखेंगे, जबकि 1 को यहाँ लिख लिया जाएगा। अब हम इन वैल्यूज को ऐड करेंगे। एडिशन के लिए फर्स्ट कॉलम में मौजूद वैल्यूज को ऐड किया जाएगा, जिससे हमें 4 हासिल होगा। इसके बाद सेकेंड कॉलम में मौजूद वैल्यूज को ऐड करने से हमें 6 हासिल होगा। 6 क्योंकि 5 से बड़ा है, जिसकी वजह से इसे फैक्टराइज किया जाएगा। 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें रिमाइंडर 1 हासिल होगा। 1 को नेक्स्ट कॉलम में एज ए कैरी लिख लिया जाएगा, जबकि रिमाइंडर वाले 1 को हम यहाँ लिख लेंगे। नेक्स्ट कॉलम में मौजूद वैल्यूज को ऐड करने पर हमें ये वैल्यू हासिल होगी। 6 को अगेन फैक्टराइज किया जाएगा। 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें रिमाइंडर 1 हासिल होगा। 1 को नेक्स्ट कॉलम में एज ए कैरी लिखा जाएगा, जबकि रिमाइंडर वाले 1 को यहाँ लिख लिया जाएगा। नेक्स्ट कॉलम में मौजूद वैल्यूज को ऐड करने पर हमें 11 हासिल होगा। 11 चूंकि 5 से बड़ा है, जिसकी वजह से इसे फैक्टराइज किया जाएगा। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें रिमाइंडर 1 हासिल होगा। 2 को नेक्स्ट कॉलम में एज ए कैरी लिखा जाएगा, जबकि 1 को यहाँ लिख लिया जाएगा। नेक्स्ट कॉलम में मौजूद वैल्यूज को ऐड करने पर हमें 7 हासिल होगा। 7 भी चूंकि 5 से बड़ा है, जिसकी वजह से इसे फैक्टराइज किया जाएगा। 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें रिमाइंडर 2 हासिल होगा। 1 को नेक्स्ट कॉलम में एज ए कैरी लिखा जाएगा, जबकि 2 को यहाँ लिख लिया जाएगा। नेक्स्ट कॉलम में मौजूद वैल्यूज को ऐड करने पर हमें 2 हासिल होगा, जिससे हमें बेस 5 वाले नंबर सिस्टम्स की मल्टीप्लीकेशन हासिल हो जाएगी। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन।